हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता कर जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन नहीं करने के दिए बयान। हापुड़ पहुंचे जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता कर जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन नहीं करने का बयान दिया है। साथ ही दो बच्चों वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा, सरकारी ठेकों में 10-15% आरक्षण दिया जाए। केसी त्यागी ने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल आज सभी की मांग है। इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है। जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में नहीं। आइए जानते हैं कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रेस वार्ता में और क्या क्या कहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या कंट्रोल आज समय की मांग है। हर मिनट में 11 इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है, खाली भारत का नहीं है। और फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है रोम का, उसने खतरा पैदा बताया है कि अगर यही हार रहा जनसंख्या के बढ़ने का, तो समूची दुनिया में खाद की समस्या पैदा हो जाएगी, फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज भी जब हम बैठे यहाँ से बातचीत कर रहे हैं, एक मिनट में 11 आदमी भूख से मर रहे हैं, आपको यकीन नहीं आने का ही ना करो। और हिंदुस्तान में भी फूड की कमी है। जो बच्चे अब नए जन्म ले रहे हैं, यहाँ के हापुड़ के नहीं और तड़गा सराय के नहीं, हिंदुस्तान की काली हांडी एक जगह है जहाँ बोने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहाँ कुपोषण के शिकार हैं, जहाँ दूध के उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। लिहाजा जनसंख्या पे कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में नहीं, जबरन नहीं। आप लोगों को इंसेंटिव दीजिए, जिसके दो बच्चे होंगे, आप एक काम कीजिए 15% या 10% का आरक्षण कर दीजिए सरकारी नौकरियों में, सरकारी ठेकों में, प्रमोशंस में, सरकार की जितनी सुविधाएं मिलती हैं उन सब में, कि उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके दो बच्चे पैदा हों। आप देखना यहाँ से लेकर के और देवरिया तक लाइन लग जाएगी। जबरदस्ती के जबरन के हम खिलाफ, वो जो क्लोज टू है उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून की, उसका हम समर्थन नहीं करते। दो, तीसरा, खाली इंजेक्शन देने से, नसबंदी करने से, जुर्माना लगाने से बच्चे कम हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके लिए अवेयरनेस की भी आवश्यकता। नहीं सुनने सर, अगस्त में कुछ हो सकता है, सत्र शुरू है मानसून का, और पिछले 7 महीने से किसान 3 अध्यादेशों को लेकर के धरने पर है। भारतीय किसान संघ, जो भारतीय आरएसएस का किसान संगठन है, उसने भी वार्ता में स्वीकार किया है कि अध्यादेश लाने से पहले किसी भी किसान संगठन से को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, इंक्लूडिंग भारतीय किसान संघ। इसलिए इसको लेकर के किसानों में असंतोष है, अफसोस है कि किसान भी और सरकार भी दोनों ही अपनी जिदों पर। किसान संगठनों का इस समय स्थिति है कि जब तक 3 बिल ये वापस नहीं होंगे वो वार्ता नहीं करेंगे। भारत सरकार और नरेंद्र तोमर जी कह चुके हैं कि वार्ता होगी लेकिन हम इनको रद्द नहीं करेंगे। तो ये एक तनाव की स्थिति किसान संगठनों के और सरकार के बीच में बनी हुई है। हमारा दोनों पक्षों से सुझाव भी है, आग्रह भी है और निवेदन भी है कि इस सत्र का फ़ायदा उठा करके और इस समस्या का समाधान करने में सहायक होना चाहिए सर। यद्यपि हम ये मानते हैं कि तीनों किसान विरोधी या किसान समर्थक जो भी अध्यादेश हैं, उनके ख़त्म होने से किसानों की या रूरल डिस्ट्रेस की या फार्मर डिस्ट्रेस की जो समस्या समाप्त हो जाएगी, हम ऐसा नहीं मानते। किसानों का जो लूट है, किसानों का जो शोषण है, और किसानों में जो बेचैनी, आपको ताज्जुब होगा कि हर मिनट में
दो आत्महत्याएं हैं इस देश के अंदर किसानों की हर मिनट में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बोलती है, विच इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डे। एक मैं यहाँ बातचीत कर, आपको ताज्जुब होगा कि किसी भी जो आपके हापुड़ की जो म्यूनसिपल्टी है उसका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जाके शाम को पता भी लगा ले, उसकी आमदनी किसान से ज़्यादा है। केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं रूपाला जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, उन्होंने पिछले सत्र में पार्लियामेंट में कहा है कि एक किसान परिवार की महीने की आमदनी 8,000 रुपये महीना है, जो फोर्थ क्लास एम्प्लाई है नगर निगम का उसकी आमदनी ज़्यादा, और 52% किसान ऐसे हैं जिन पर किसी ना किसी सरकारी संस्था का या मनी लेंडर्स का, जिनको सूदखोर आप बोलते हैं महाजन, उनका किसी ना किसी रूप में कर जाना, जिसकी वजह से ही ये आत्महत्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। चौथा, 25 रुपये के लगभग पिछले 6 महीनों में डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, बिजली दुगनी हो गई है, इंसेक्टिसाइड बढ़ गया है, पेस्टिसाइड बढ़ गया है, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं, लिहाजा किसानों के भी फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। मेरा किसान आंदोलन करने वाले किसान नेताओं से आग्रह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय अब वो लाभकारी मूल्य दिया जाए, ये भी मांग जोड़ें। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये तो कम से कम है, और ये 67 में जब लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर, जब चला था कि जय जवान जय किसान, तभी तब का बना हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फॉर्मूला। एक दूसरा, इसका जो किसानों को फसल की दाम देने का और मापने का तरीका वो डिफेक्टिव है। कायदे में जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग बना था उसके मुताबिक ये नहीं है, क्या कोई भी कहता रहे, हम तो सरकार के हिस्से हैं, हम भी मानते हैं कि ये नहीं है। और अब जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, किसानों के इनपुट्स के दाम बढ़े हैं, उसके हिसाब से ये नाकाफी हो गया है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसलिए हम लाभकारी मूल्य दिया जाए इसकी मांग कर। कितने परसेंट होना चाहिए? अकेला नहीं तय करने वाला होता है, केंद्र सरकार बैठे, राज्य सरकार बैठे, किसानों के संगठन बैठे, बैठ के तय कर, वो मैं नहीं कहता। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, ये जरूर लिख लीजिए, आज की तारीख में केंद्र सरकार में CACP का पद भी खाली है, जो कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन ऑफ इंडिया, जो दाम तय करता है कि मूंग के कितने होंगे, चावल के कितने होंगे, कपास के कितने होंगे, उसका कोई जो चेयरमैन है कमीशन, वो भी आज की तारीख में नहीं है। दो लोगों की एक फर्जी कमेटी बनी हुई है जो नाकाफी है, तो सरकार को इन सवालों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। नंबर दो, उत्तर प्रदेश सरकार की कई बातों की सराहना करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि गन्ना किसानों को लेकर के उसकी जो नीतियाँ हैं वो एंटी किसान रही हैं, प्रो फार्मर नहीं रही हैं। जैसे केंद्र सरकार हर साल गन्ने का दाम तय करती है और उसके बाद राज्य सरकार FAP तय करती है, फिर एंटरप्राइज कमीशन, पिछले 3 सालों से ना तो केंद्र सरकार ने एक नया पैसा बढ़ाया है, ना जी ना योगी से बढ़ा, और ना योगी सरकार ने बढ़ाया, तो अखबारों में फ्रंट पेज पे बड़े बड़े विज्ञापन देने से कि किसानों की सब समस्याएं हल कर दी, हमने इतने पेमेंट कर दिए, ये भ्रामक है। और मैं NDA का पार्टनर होने के नाते सुझाव भी देना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ, और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि 120 विधानसभा की सीटें हैं जहाँ किसान असंतोष अपने पीक पर है। यद्यपि गन्ने वाला किसान जो है पूरे UP में है, हम तो सारे प्रदेश में घूमते हैं, लिहाजा चुनाव से पहले
कोड़ी कोड़ी पाई पाई का पेमेंट किसानों को होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, रंगराजन फॉर्मूले के तहत और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद अगर 15 दिन तक पेमेंट नहीं किया जाता है तो ब्याज भी इसमें जोड़ा जाएगा, लिहाजा ब्याज समेत किसानों को रिमिनट्रीज प्राइस जो है मिलना चाहिए। अब ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जितनी डिस्टलरीज हैं, ये सब मिले हुए हैं। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।